आज हम आ गए हैं हीरो के शोरूम दुर्गापुर दत्ता ऑटोमोबाइल्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीरो के जो न्यू बाइक लॉन्च हुआ है ग्लैमर एक्सटेक। इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसमें क्या कुछ नया फीचर देखने को मिला है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जब इसका ऑफिशियल जब लॉन्च हुआ था उस टाइम वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे वो वीडियो आ जाएगा। बट अभी आज की इस वीडियो में हम इसका वर्क अराउंड वीडियो करने वाले हैं, क्या कुछ इसमें फीचर देखने को मिलने वाला है वो सारे चीज़ आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो कितना है और ऑन रोड कितना तक ये बाइक जा सकती है। सबसे पहले कलर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको हीरो ग्लैमर में दो कलर मिलता है। ये जो मेट आप देख रहे हैं, मेट कलर में आपको ब्लू स्टिकर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी जो आपके सामने बाइक खड़ी है ग्लैमर की एक्सटेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो लिखा हुआ है, ये ग्लैमर है। और इसमें जो है आपको कलर के बारे में बता दूँ तो इसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये मेट में है, जहाँ पे आपको ब्लू स्टिकर देखने को मिल रहा है, और एक ग्लोसी ब्लैक में है जिसमें आपको ग्रे स्टिकर देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर मिल गया कि दो कलर में ये बाइक को लॉन्च किया गया है। साथ ही अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि 3D में दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको हेडलाइट के पास में भी यहाँ पे हीरो का लोगो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है ये जो हेडलाइट है ये पूरा एच शेप में दिया गया है। एक बार आपको ऑन करके इसमें दिखा देते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये की ऑन करने पे आपको इस तरह का DRL यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है जो कि एच शेप में दिया गया है। और ये जब स्टार्ट करेंगे तब इसका लाइट आपको समझ में आएगा। तो एक बार भैया स्टार्ट कीजिए, ये देखिए स्टार्ट करने पे यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जा रहा है। ये आपका ये लो बीम का हो गया और हाई बीम का, ये आपका हाई बीम का हो गया। तो लाइटिंग कुछ इस तरह आपको देखने में लगता है। ये आपको जो एच साइन है उसके लिए दिया गया है, बाकी ये जलता नहीं, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाता है, यहाँ पे एक LED लाइट मिल जाता है। ये आपका लो बीम के लिए हो गया, ये आपका हाई बीम के लिए हो गया। तो अभी बाइक स्टार्ट है तो एक बार आप लोग साउंड भी सुन लीजिए। तो अभी आप एक बार साउंड जो यहाँ पर बात करें इंडिकेटर में, तो आपको येलो कलर का बल्ब देखने को मिलता है दोनों साइड में। यहाँ पे आपको LED नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ येलो कलर का बल्ब दिया गया है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे i3S का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाएगा, स्टिकर देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है साइड में, फ्रंट में, फ्रंट टायर के पास में। और यहाँ पे आप बात करें तो ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट में है, इसमें एक डिस ब्रेक वाला भी वेरिएंट आता है, ये अभी ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में है। यहाँ पे चले तो यहाँ पे आप टायर देख सकते हैं, फ्रंट में आपको TVS के टायर देखने को मिल जा रहा है। वही टायर साइज़ की बात करें तो 80x100x18 सेक्शन का आपका व्हील साइज़ देखने को मिल जा रहा है, ये आपका ट्यूबलेस टायर है। साथ ही फ्रंट का जो व्हील है उसमें ग्लैमर लिखा हुआ मिल रहा है और ब्लू कलर का स्टिकरिंग का यूज किया गया है। और व्हील में भी यहाँ पे ट्यूबलेस फोर ट्यूबलेस लिखा हुआ भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट व्हील में भी आप जो व्हील है वहाँ पे भी देख सकते हैं हीरो का यहाँ पे लोगो ब्रांडिंग है जो वो दिया गया हीरो का लिखा हुआ है। साथ ही इसमें कुछ ऑफिशियल यूज के लिए भी इसमें कुछ कोड है, इसका कोड अभी मुझे पता नहीं है। तो ये आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है। इस साइड में भी आपका रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी i3S का जो लिखा हुआ है वो भी देखने को मिल रहा है। दोनों साइड में आपको i3S का लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ है, जो नंबर प्लेट होगा वहाँ ये थोड़ा सा चौड़ा होता है तो यहाँ पे आपको शो होगा इस तरह से। तो ये थोड़ा सा अंदर के साइड में दिया हुआ है, एक होता है सामने में, बट इसमें जो है यहाँ पर अंदर में दिया गया है, ये भी अपनी जगह पर सही सेट किया गया है। तो ये फ्रंट में हो गया। और फ्रंट से अगर आप देखें यहाँ पर जो साइड मिरर है तो इस बैक साइड से इस तरह का व्यू निकल कर सामने आता है।
वहीं कंसोल की तरफ चले तो कंसोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जल रहा है, ये इंजन का हो गया। यहाँ पे आपका एवरेज दिखाएगा, ट्रिप मीटर, नेविगेशन, यहाँ पे सारा कुछ आपका शो होगा। यहाँ पे कितना किलोमीटर आपका रन हुआ ये दिखा रहा। यहाँ पे पेट्रोल का इंडिकेट करेगा कितना आपका पेट्रोल है। साथ ही यहाँ पे टाइम हो गया, ओडोमीटर है, RPM हो गया, यहाँ पे स्पीड आपका दिखाएगा। तो ये सारा कुछ आपका इसमें देखने को मिल रहा है। जो एक्सपल्स है उसमें का ये पहले आता था डिजिटल, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, अब आपको हीरो के एक्सटेक में भी देखने को मिल रहा है वही वाला। आई थिंक सेम वही इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें भी डाला गया है। हमारे सामने नाम बता दीजिए। सोमोदी बैनर्जी। हाँ, तो ये दुर्गापुर के जो शोरूम है हीरो के, यहाँ के स्टाफ है, यहाँ पे ये काम करते हैं। तो अब ये बताएंगे क्या कुछ यहाँ पे हमें फीचर देखने को मिल रहा है। यहाँ आपका नॉर्मल जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीडोमीटर है, ये गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका टैकोमीटर आ जाता है, टैकोमीटर के बाद ये ट्रिप मीटर है, दो ट्रिप मीटर है इसके, उसके बाद और भी बहुत, ये दूसरा ट्रिप मीटर हो गया आपका। इसके बाद आता है जो ब्लूटूथ मेन फीचर है इसका, 125 सेक्शन में पहला गाड़ी होगा शायद ग्लैमर एक्सटेक जो ब्लूटूथ फीचर भी देता है। ब्लूटूथ में आप इसमें कॉल अलर्ट देख सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं, SMS अलर्ट देख सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। एवरेज कितना किलोमीटर दे रहा है आपका बाइक अभी इस टाइम पर वो भी दिखाएगा, और ये सब इकोनॉमी मोड है। ठीक है, तो ये जो ब्लूटूथ है वो पेयर करने के लिए जब कस्टमर बाइक खरीदेगा तभी हो पाएगा। तभी हो पाएगा। और आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, हीरो राइड गाइड। आप हीरो राइड गाइड डाउनलोड कीजिएगा अपने स्मार्टफोन पे, उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर है, यहाँ आपका जो इंडिकेटर्स है इंडिकेटर्स भी शो करेगा, आपका न्यूट्रल शो करेगा और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ शो करेगा। इस साइड में आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, ये इंडिकेटर का हो जाता है, ये हाई बीम लो बीम और यहाँ पे पास का आपको देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको ये फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पे राइट साइड में i3s और सेल्फ का। यहाँ पे आप हेडलाइट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, जो आपका लो बीम है वो हमेशा जलता रहेगा जब भी आप चाबी को ऑन करेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इस साइड का क्लच हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ अगर चले तो यहाँ फ्रंट में आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाता है, जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रहा है। ग्लैमर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी डिज़ाइन जो है पहले की तरह ही सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं किया गया, बस एक ब्लू कलर का स्टिकर इसमें डाला गया है और यहाँ पे FI लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम FI लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और साइड बॉक्स पे आपको i3s टेक्नोलॉजी जो यूज करती है हीरो वो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारा जो है फाइबर में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वहीं बात करें तो यहाँ बैक साइड में आपको हीरो का लोगो हीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो बैक लाइट है जो रियर साइड से अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको हीरो का लोगो देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर, यहाँ पर भी हीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए दिया गया है, नंबर प्लेट के लिए जगह है। और बैक साइड में लाइटिंग के इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बल्ब देखने को मिलेगा, जो कि येलो कलर का बल्ब को यूज किया गया है। इस साइड भी देखें तो यहाँ पे भी आपको हीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लुक और डिज़ाइन बिल्कुल पहले की तरह सेम है, थोड़ा बहुत इसमें जो चेंज किया गया वो ग्राफिक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी फीचर्स ये बाइक को लोडेड किया गया है, 125 cc की सेगमेंट में अभी कोई सी भी ऐसी बाइक नहीं है जो इतने सारे फीचर के साथ आती हो। हीरो ने यहाँ पे एक बढ़िया काम किया है, 125 cc में ये बाइक बाजी मार जाती है। 125 cc के कम्यूटर बाइक में ऐसा कोई सा भी बाइक नहीं है जो इतना सारा फीचर आपको देती है। वहीं भी आप देखें तो ये आपका गियर का हो गया, जो कि इसमें 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिलता है। ये हो गया साइड स्टैंड, और इसमें साइड स्टैंड सेंसर भी दिया गया है, जब आपकी बाइक
स्टैंड पे रहेगी, साइड स्टैंड पे रहेगी तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। आपको बाइक का जो स्टैंड है साइड स्टैंड उसको उठाना होगा, तभी जाके ये बाइक स्टार्ट होगी। और इंजन की बात करें तो आपको इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिल जाता है। हीरो ग्लैमर एक्सटेक में आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो 10.7 बीएचपी का पावर आपको जनरेट करेगा और 10.2 न्यूटन मीटर का आपको पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। और साथ ही इस बाइक में आपको कैटलेटिक कन्वर्टर भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी इंजन गार्ड जैसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल सिंपल ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मेटल यूज़ किया गया है, जो ये जो साइलेंसर ये गर्म हो जाए अगर पैर आपका इसमें टच ना हो, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है, इससे एक सेफ्टी मिल जाएगा। हालांकि ये भी हल्का सा अभी गर्म हुआ है, मैंने बाइक को थोड़ा 5 मिनट स्टार्ट किया था उसके बावजूद ये हल्का सा गर्म हुआ है। साथ ही यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेटल का यूज़ किया गया है, जो इसका हीट है वो आपके पैर तक ना आए, ज़्यादा गर्मी ना लगे या फिर आपका पैर में पैर जलने से बच जाए, इसके लिए यहाँ पे मेटल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये देख सकते हैं ब्रेक है, ब्रेक का ये आपका किक मिल जाता है। और यहाँ पे इंजन पे आपको हीरो का लोगो हीरो का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका तो ये मोटर वगैरह हो गया है सेल्फ स्टार्ट वाला, ये चीज़ें मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे ये मिल जाता है, ये भी आपका इससे जो साइलेंसर है इससे बचाव के लिए यहाँ पे लगाया गया है। बैक साइड में चलें तो यहाँ पे जो साइलेंसर है उसके ऊपर मेटल का ये आपको कवर देखने को मिल जा रहा है, जिससे आपका पैर में टच ना हो पाए। और ये आपका फुट पैक्स हो गया रियर के लिए, और यहाँ पे आपका फुट पैक्स हो गया राइडर के लिए। वही सस्पेंशन में आप बैक में देख सकते हैं रेड कलर का आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। इस साइड भी आपको सेम वही चीज़ है, और यहाँ से आप इसके चाबी से इसके सीट को खोल सकते हैं, तो यहाँ की ये चाबी है। साथ में यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल रहा है। और बैक साइड अगर देख तो बैक साइड में भी आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है, जो डिस्क ब्रेक वाला है वो अलग होता है, तो वो अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है। बैक साइड में टायर साइज़ की बात करें तो बैक में आपको 100x80 18 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ भी आपको ग्लैमर लिखा हुआ देखने को मिलेगा और ब्लू कलर का स्टिकर का देखने को मिल जाएगा। बट रियर में है 100x80 18 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रम ब्रेक का ऐसा कुछ लुक निकल रहा है, साइलेंसर का आपको ऐसा लुक देखने में लगेगा। और यहाँ पे जो ग्रेवलर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये बेंड करके ही लगाया गया जॉइंट है, यहाँ पे कोई भी इस तरह का खाली नहीं है, जो कि स्पोर्ट बाइक में होता है, कम्यूटर बाइक है, इसके वजह से इसको इस तरह से राउंड करके बनाया गया है। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है, इसमें भी चेंजिंग नहीं किया गया। बाकी कुशनिंग अच्छा खासा लग रहा है, फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग है, रियर में थोड़ा सा कम फील हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा, डुअल हॉर्न इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 9, 10, 11 लिखा हुआ है ये सिर्फ शो के लिए है, शो के लिए मतलब ये यहाँ पे बंद रहेगा बाइक तब भी यहाँ पे शो हो रहा है। देख सकते हैं अभी बाइक ये बंद है, कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं जल रहा, बट यहाँ पे ये इस तरह का ही शो होगा, ये हमेशा इस तरह का शो होगा, और एक ये लाइन जो है इस तरह का हमेशा ये शो होगा। समझिए एक तरफ से ये इसको मैनुअल किया गया, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। आप देखें तो यहाँ पे आपको साइड में यूएसबी पोर्ट जो मिल रहा है ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। और मिरर देखें तो मिरर सामने से फ्रंट से इस तरह का देखने में लगता है। वही यहाँ पे देखें तो i3s यूज किया गया है, जो कि आपकी बाइक जब इंजन गर्म हो जाता है थोड़ा देर बाद, उसके बाद ये i3s काम करना स्टार्ट करता है। जब अपने बाइक को आप न्यूट्रल में रखेंगे, अगर i3s को ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बाइक को बंद कर देता है, जिससे आपका फ्यूल में थोड़ा बहुत सेविंग हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप, अगर बाइक रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप शोरूम में कॉल करके कोई भी अपना क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।